नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। बीरमो विस्थापित आंदोलन शुरू होते ही महज कुछ ही घंटों के बाद सीसीएल धोरी एरिया के कल्याणी एवं अमलो परियोजना में सीआईएसएफ के द्वारा जबरदस्ती गिरिडीही सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को रोक दिया गया। इस पर स्थानीय सांसद श्री चौधरी ने दरी पर बैठकर आंदोलन का शंखनाद शुरू कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, महिला नेत्री यशोदा देवी, भाजपा महिला नेत्री सीमा देवी, संतोष महतो, दीपक महतो, जयलाल महतो, नरेश महतो, धनेश्वर महतो, शक्तिनाथ महतो, गुड्डन सिंह, चीकू शर्मा, छात्र नेता पप्पू सिंह आदि कर रहे थे। लगभग दोपहर दो के आसपास प्रबंधन की ओर से कॉल इंडिया चेयरमैन के द्वारा डीवीसी की ओर से 2 दिसंबर को कॉल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में कॉल इंडिया के अध्यक्ष के साथ, 3 दिसंबर को डीवीसी के अध्यक्ष के साथ कोलकाता मुख्यालय में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। आंदोलन शुरू होने के महज कुछ घंटे बाद ही वार्ता का ये निमंत्रण डीवीसी और कॉल इंडिया के मुख्यालय से स्थानीय सांसद को मिल जाता है। तत्पश्चात आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। इसे विस्थापितों ने अपने पक्ष में बड़ी जीत मानी है। जड़े विस्थापितों का हक के लिए जो जिनविन मांग, जो पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास करना, विस्थापितों को उसका मुआवजा देना, उसका आज तक भी कई ऐसे लोगों को आज तक जमीन का भुगतान नहीं हुआ। आज कई लोगों को आज तक नौकरी नहीं हुआ, जो ऑफिस का चक्कर दौड़ रहा है लेकिन कोई ठोस नहीं रहा। इसलिए सामूहिक रूप से क्योंकि 3 एरिया और 2 डीवीसी का एरिया वो विस्थापित लोग काफ़ी प्रभावित, आज जो विस्थापित हुए आज तक उनको कोई प्रमाण पत्र तक नहीं मिला। विस्थापित हुआ, जमीन दिया गया, बसने के लिए दिया गया, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। आज लोग कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाता है, आय प्रमाण पत्र विस्थापित आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना पाता, क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं। और एक तरफ दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं कोई डीवीसी का कोई सुविधा भी नहीं मिला, ना पानी मिला, ना बिजली मिला, ना स्वास्थ्य का सुविधा मिला, किसी भी प्रकार का ना शिक्षा का कोई बच्चों का सुविधा मिला। लेकिन एक दूसरे तरफ हम देखते हैं जिनका एक इंच जमीन नहीं गया, आज जो लोग जमीन दिए वो लोग विस्थापित हो गए, और जिनका एक इंच जमीन नहीं गया वो लोग स्थापित हो गया। आप समझ सकते हैं, जो पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा, उनके लिए सारा चीज है, सारा बिजनेस उनके हाथ में, सारा सब कुछ, लेकिन विस्थापितों को कहीं हक नहीं मिला। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि विस्थापितों को उसका हक मिले, सबको नौकरी नहीं भी मिलता है तो लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख 5 लाख का टिका लोगों को मिले, या सेल चलता है सेल में उनको भागीदारी मिले, ताकि सैलरी लोडिंग, कोयला लोडिंग में जो भी मजदूर लगते हैं उसमें उसकी भागीदारी, तो रोजगार जोड़ने का हर एक बहुत सारा रास्ता है, लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं किया। और उसके अलावा आप देखते हैं उसके इतना 3-3 एरिया, 2-2 डीवीसी होने के बावजूद यहाँ के विस्तार, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य और दूसरे देश में जाते हैं, और वहाँ पर हर महीना देखते हैं कि एक ना एक लोग मरते हैं, एक ना एक लाश आता है, तो उससे काफ़ी दुख होता है। और विस्थापितों का दर्द देखकर आपको ये लगता है कि अब एक बड़ा आंदोलन का आवश्यकता है, मैनेजमेंट को चेतावनी देने का आवश्यकता है, और लोगों को चेतावनी देकर आंदोलन करके लोगों का हक दिलाने की आवश्यकता है। उसी के तहत हमने निर्धारित समय से मैनेजमेंट को लिख के दिया था कि भाई इन समस्याओं का समाधान करें 26 तक, नहीं तो 27 को चक्का जाम करेगा। तो उसी के आधार पर आज चक्का जाम हुआ, सफल भी हुआ। मैं विस्थापितों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनका सहयोग मिला, और एक ढेला कोयला लोडिंग हुआ, ना ट्रांसपोर्टिंग हुआ, ना उत्खनन हुआ, लोगों को पूरा समर्थन मिला, प्रशासन का भी समर्थन मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और जो वार्ता का तय हुआ सिवाय विस्थापितों के साथ कोल इंडिया चेयरमैन के साथ, क्योंकि सीएमडी लेवल पर कई वार्ता होता रहा, इससे पहले भी कई वार्ता हुआ, लेकिन रिजल्ट उसका 0 हुआ। फिर इस बार हमने तय किया था कि नहीं चेयरमैन स्तर पर ही हम लोग वार्ता करेंगे, तो वार्ता का तिथि तय हुआ, चिट्ठी भी आदेश हुआ, 2 तारीख को सीसीएल प्रबंधन कोल इंडिया चेयरमैन के साथ वार्ता होगी, और 3 तारीख को डीवीसी चेयरमैन के साथ दिसंबर डीवीसी विस्थापितों का बैठक होगा, जिसमें सारी बातों को रखा जाएगा, जो भी विस्थापित का जो हक है, अधिकार है, उसको स्थानीय प्रबंधन सर कह रहे कि आपकी जो भी मांगे हैं उसमें से 70 से 80% हम लोग पूरा कर चुके हैं,
ये क्या है वो तो सामने जब बैठेंगे तभी वो लोग बता पाएंगे ना, तभी वो लोग बताएंगे कौन सा पूरा किया नहीं किया। मैं तो कहा जब वार्ता में बैठेंगे तो जो समस्या हम लोग लिख के दिए, यदि समस्या का समाधान हुआ रहता तो हम लिख के क्यों दें, क्योंकि विस्थापितों के द्वारा ही उन बातों को रखा गया, उन समस्याओं को रखा गया। यदि समाधान किए बैठक में होगी वार्ता होगी तो उसका हम लोग देखेंगे क्या परिणाम आएगा, जो नहीं हुआ उसको हम लोग करवाएंगे। सर आज जो आपकी बंदी थी उसमें एक यूनियन देखा गया कि प्रबंधन के पक्ष में माइंस चालू करवाना या काम। देखिए मैंने पहले कहा विस्थापितों के साथ हमेशा लोग अन्याय किया है, विस्थापितों को लोग ठगने का काम किया, मैनेजमेंट का कुछ लोग दलाली भी करते हैं, जिनका एक ही मैंने पहले इशारा किया कि जिनका एक ही जमीन नहीं गया, जो पूरा स्थापित हो गया हर चीज़ में, राजनीति से लेकर दुकानदारी से ट्रांसपोर्टर ठेकेदारी सारा चीज में स्थापित हो गया, उन लोगों को तो तकलीफ है कि भाई आंदोलन होगा, यदि विस्थापित लोग जागेंगे तो उनका रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो लोग चाह रहा था कि आंदोलन को विफल कर, लेकिन उनका मनसा धरा का धरा रह गया और विस्थापित का संघर्ष आज जीता है और आने वाले समय में भी हम विस्थापितों का जो मांग है उसको हम वार्ता में। सर यदि सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो अगला रूप क्या होगा? क्यों नहीं होगा, वार्ता होगी और विस्थापित का जो अधिकार है, सांसद है, कानून बना है, जो विस्थापित का जो अधिकार है, पुनर्वास का नीति का जो अधिकार है, वो अधिकार हम नहीं दिला पाएंगे तो फिर उनको कौन दिलाएगा? एक सांसद है, कानून है, जो कानून बना है विस्थापितों के लिए कानून बना है जिसके तहत जमीन दिया गया है, उसको तो पालन हर हाल में करना पड़ेगा। अच्छा आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो कोलेरी कोयला निकालने के बाद खाली छोड़ दिया जाता है गैर विस्थापित।